दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 29 क्रास 40 हाउस प्लान की। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इसी मॉडल को डिस्कस करेंगे। और ये एक हमारे पेड यूजर हैं जिनका ये मकान है और इसका 29x40 फीट में पूरा ग्रामीण क्षेत्र में, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये मॉडल बना हुआ है। इनका ग्राउंड फ्लोर ही बनना था तो उसी के अकॉर्डिंग पूरा बनाया है। और ये 3 साइड क्लोज्ड है और फ्रंट में ही ओपन है। और फ्रंट में इनका पूरा डिज़ाइन आपको देखने को मिल रहा होगा, जो बेस्ट लुकिंग डिज़ाइन आपको देखने को मिलता है। एक साइड आपका बेडरूम क्रिएट किया है, एक साइड बारंदा है जिसमें जाने के लिए आपको स्टेयर्स और स्लोप दोनों मैंने दे रखे हैं। और यहाँ पर पिलर वगैरह है। इसके बाद यहाँ पर इनका पूरा डिज़ाइन रेलिंग का, ग्रिल का, वो आप प्रॉपर तरीके से देख पा रहे होंगे। तो इसी मॉडल को डिस्कस करेंगे। तो बने इस वीडियो में लगातार, मैं हूँ मोहन झागड़ और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मॉल हाउस प्लान। अगर आपने अभी तक स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, इससे मैं आने वाले सभी वीडियो आप लगातार देख सकें। स्मॉल हाउस प्लान पर आपको लगातार अपडेटेड नए नए मॉडल्स वीडियो मिलते रहते हैं। जब भी आप घर बनवाएं तो एक बार यहाँ विजिट जरूर करें और आसानी से घर बनवा सकते हैं। तो आज का जो प्लान है 29x40 फीट में, उसे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे जूम करके दिखाता हूँ, जिससे आपको इसका रियलिस्टिक व्यू, प्रॉपर तरीके से रेलिंग का व्यू दिख पाए, जो मैंने रेलिंग क्रिएट की है। और यहाँ पर ये झरोके टाइप के कटे हुए सारा डिज़ाइन। और अब हम बात करते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर की। तो ये इसका ग्राउंड फ्लोर है, ये देखिएगा। यहाँ पर ये आपका विंडो लगा है, विंडो में ये चारों तरफ से एक फ्रेम टाइप का लगा हुआ है विंडो में, जिससे आपका नया लुक मिलता है। इसके बाद ये 8 फीट के पिलर हैं, ये 8 फीट के पिलर हैं। इसके बाद 8 फीट के बाद ये आपका जो रेड कलर का पट्टी दिख रहा है ये है। इसके बाद ओवरऑल टोटल इसकी हाइट 10 फीट होती है स्टैंडर्ड फॉर्मेट। और इसके बाद स्लोप है, आप यहाँ से अंदर जाएंगे तो ये आपको एक पोर्च या बारंदा टाइप का मिल जाता है। इस बारंदे में ही से आपकी हर जगह एंट्री है, जो आपका गेस्ट रूम है इसमें एंट्री के लिए डोर और एक विंडो दिया है प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए। तो इस गेस्ट रूम में आप एंट्री कर जाएंगे। इसके बाद मेन डोर ये है जहाँ से आप अंदर जाएंगे। और एक और मैंने विंडो दिया है विथ फ्रेम, जो कि आपका किचन में यहाँ पर है ये। इसके बाद ये किचन है, जैसे अंदर आते तो ये आपका किचन एरिया है। किचन में मैंने एक डोर दिया है और फ्रंट से विंडो दिया है, प्रॉपर वेंटिलेशन हो सके। और पीछे 2 बेडरूम, जो कि बड़े बड़े से बेडरूम, 29 फीट में 2 बेडरूम है, तो अप्रॉक्स आपके 14-14 फीट के बेडरूम निकल आएंगे और लगभग 12-12 फीट की लंबाई हो जाती है। दोनों में अलग अलग डोर, एक में विंडो, एक में विदाउट विंडो। इसके बाद यहाँ से स्टेयर चढ़ना आपकी स्टार्ट होती है। आप इधर से चढ़ेंगे, ऐसे जाएंगे, टर्न होकर फिर से इस तरफ को आ जाते हैं। उसी के नीचे और भी स्पेस को कंबाइंड करके लेट एंड बाथ कंबाइंड कर दिया है ओवरऑल। तो यहाँ पर 3 बेडरूम, एक बारंदा, किचन, बाथरूम और स्टेयर्स के साथ 29x40 फुट में बेहतरीन सा मॉडल बन जाता है। हालांकि इसमें रूम और भी निकल सकते थे, लेकिन मैंने, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में रूम की आवश्यकता होती हुई बड़े रूम्स की, इस वजह से यहाँ पर मैंने ज़्यादा फिर चीज़ें क्रिएट नहीं की हैं। तो ये ग्राउंड फ्लोर की बात हो गई, 3 साइड क्लोज्ड है। और ये जो वाइट कलर का देख रहे हैं, ये डिज़ाइनिंग के पर्पज़ से हैं। ये सारी जो आप पट्टी रेड कलर की देख रहे हैं वगैरह, ये सारे डिज़ाइनिंग के पर्पज़ से हैं। और यहाँ पर इस पिलर में कुछ टाइल्स यूज़ किए गए हैं, इसके बाद रेड कलर की पट्टी यूज़ की गई। लास्ट फ्लोर की बात करें तो ये इसका लास्ट फ्लोर है। और लास्ट फ्लोर पर चारों तरफ 3.5 फीट का बाउंड्री, और ये स्टेयर वाला पार्ट था, लेट एंड बाथ वाला पार्ट था, इस पूरे को कंबाइंड करके एक रूम टाइप का डिवाइड कर दिया है। आप इसमें ऊपर लेट एंड बाथ बना रहेगा और आप आसानी से ऊपर आ जाएंगे स्टेयर्स के माध्यम से। तो ये पूरा जो डिज़ाइन था ये बनकर रेडी हो गया। और ग्रिल की बात करें तो ये देखिएगा, पहले यहाँ पर ब्लॉक के कॉम्बिनेशन है जो ईंटों से बना हुआ है। इसके बाद रेलिंग भी लगी है और इसके बाद ये यहाँ पर स्लोप नुमा भी आपका ग्रिल बनाया गया है। तो ये पूरा डिज़ाइन हो गया और यहाँ पर मैंने टेक्स्ट भी दिया है। और इसके बाद ओवरऑल ये घर बनकर रेडी हो जाता है। जिन्होंने ये पेड सर्विस ली है वो शायद इंडियन आर्मी में है, तो इसलिए उनका नाम भी मैंने मिस्टर इंडियन आर्मी यहाँ पर मेंशन कर रखा है। ओवरऑल प्लान 29x40 फीट का कैसा लगा जरूर बताएं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसका 2D प्लान मैं उनको दे चुका हूं। अगर आप भी हमारी पेड सर्विस का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर मैं पेड सर्विस देता हूँ, आपका घर का डिज़ाइन जो कि 2 और 3D में बनाकर देता हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।